मम्मी फ्रेम के बारे में बात करें, मान लिया आपने तीन फ्रेम, आपकी मधुमक्खी है, आपने डिवीजन मारी है तीन फ्रेम और डब्बा आपका है 10 फ्रेम का, तो आपने क्या किया उसमें 3 फ्रेम लगा दिए, परंतु 7 फ्रेम की स्पेस आपका जगह खाली है। वो जो 7 फ्रेम की जगह है वो स्पेस खाली होने की वजह से आपके डब्बे का जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वो जो आपका मधुमक्खियों का जो टेम्परेचर होता है 32-33 डिग्री, वो आपके डब्बे का मेंटेन होना चाहिए, परंतु जब आपके डब्बे में फ्रेम ही नहीं है, वो खाली जगह पड़ी है, तो उसका वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। सिर्फ 2 फ्रेमों का बीच का टेम्परेचर मेंटेन मधुमक्खियाँ रखने की कोशिश करेंगी, और उसमें भी वो सफल हो पाती है नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपका डब्बा एक किस्म का ख़राब हो जाएगा, या धीरे धीरे उसमें मधुमक्खियाँ कम हो जाएंगी और वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डमी फ्रेम जो है ये एक बी कीपर की बड़ी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है, परंतु बी कीपर को आज कोई भी बताना ही नहीं चाहता कि डमी फ्रेम है क्या, उसका पर्पज़ क्या है, उसका मतलब क्या है और क्यों वो बना गया था। और डब्बे के मधुमक्खियों को टेम्परेचर की ज़रूरत है, मधुमक्खियाँ सदा ऐसी जगह में अपना छत्ता बनाती है जहाँ वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सके, क्योंकि ये जो मधुमक्खी है, जो मधुमक्खियाँ जो हमें पाली जाती है, तो ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं डिब्बे के अंदर, 32 डिग्री तक टेम्परेचर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको ये सहन भी कर लेती है। तो इसलिए डमी फ्रेम भी एक बड़ी ज़रूरी है, इनर बड़ा ज़रूरी है, और सफाई करने के लिए बॉटम बोर्ड का अलग होना ज़रूरी है। अगर ये इंस्ट्रक्शन आप मान लें तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने मोटिव में कामयाब हो सकते हैं। एक मूल मंत्र इसका याद रखिए कि अगर आपके डब्बे स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप बी कीपर हैं। दूसरी बात यह है कि शहद निकालने का कम से कम 50% सीलिंग का जरूर इंतज़ार कीजिए, और नहीं तो कुछ दिनों में, यहाँ थोड़े दिनों में हमारे इंटरनेशनल में हनी की और हनी ड्यू, कच्चे हनी की और हनी की दोनों की ये जो डिमांड, हमारी ये डिमांड है कि पक्का हनी, जो राइप हनी, जो इसको हनी कहते हैं, हनी कहा जाए, और अनराइप हनी जो 20% जो कच्चा हनी है जो सील ही नहीं करती, अगर उसको बार बार निकाला जाता है और वो फैक्ट्रियों द्वारा उसकी मॉइस्चर रिडक्शन करी जाती है, तो उसको हनी की कैटेगरी से बाहर निकाला जाए। हमारी ये डिमांड होनी चाहिए ताकि बी कीपर इस तरीके से बचा जाए। तीसरी, इसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए, उसका हम सब लोग विरोध करते हैं। एक नई कंपनी और आई है जो कहती है कि मधुमक्खियों को बचाओ और मधुमक्खियों के बिना जो शहद बनता है उसे खाओ। अभी नवी कंपनी का आई है, मैंने एक वीडियो देखा था, वो कहते हैं कि वर्ल्ड का क्लीनेस्ट हनी। अरे क्लीनेस्ट तो अपने आप होगा जब मधुमक्खियों ने ही नहीं बनाया, वो जब उसके अंदर प्रॉपर शहद है ही नहीं और उसको हम फेक शहद को हनी कह के बेचें, इसकी भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक नॉर्म बनने चाहिए जिससे हम बी कीपरों को बचाव हो सके, कि हम अपने आप को बचा सकें। और शहद का जो इसीलिए रेट कम है कि हम क्वालिटी नहीं दे पा रहे, और अगर हम क्वालिटी देंगे तो शहद का रेट भी हो। और दूसरा बात है, हम सरकार से सहायता की उम्मीद करते हैं कि बी कीपरों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, हमारे को सब्सिडी वगैरह दे ताकि हम अपने इस काम में सफल हो सके, हमें रोज़गार मिल सके। और हम दूसरी बात यह कि GDP, हम तो पोलिनेशन के लिए काम कर रहे हैं, अगर बी कीपर 10 रुपये कमा रहा है तो सोसाइटी हमारे से 1000 रुपया कमा, मतलब 100 गुना ज़्यादा कमा रही है हमारे से, क्योंकि पोलिनेशन कंपलसरी है, पोलिनेशन के लिए ही मधुमक्खियाँ पाली जाती है। फार्मर ने पेस्टिसाइड इतना यूज़ कर दिया कि वो नेचुरल जो पोलिनेटर थे उनको ख़त्म कर दिया, और हमारी मधुमक्खियाँ भी उनके मतलब पेस्टिसाइड की चपेट में आ जाती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है, उसका लॉस भी हम उठाते हैं। तो सरकार को भी ये चाहिए कि फार्मर को इंस्ट्रक्शन दें और इस तरीके का जागरूकता फैलाएं कि मधुमक्खी पालने वाले को कितने कष्ट से वो शहद पैदा करता है, और मधुमक्खी कितने कष्ट से सारी ज़िंदगी में वो मधुमक्खी आधा चम्मच शहद भी बना नहीं पाती, और आधा चम्मच बनाने के लिए उसे सारे वर्ल्ड का एक चक्कर निकालना पड़ता है। आप ये देखो कितना मेहनती जी वो है, कितना मेहनती बी कीपर है, उसके बाद हमें कुछ पैसा देखने को मिलता है, और उसमें भी अगर ये फेक हनी का प्रोसीजर आ जाए और अनराइप हनी का प्रोसीजर आ जाए तो उसमें हमारे कितने लॉसेज हैं, इसे आप खुद ही काउंट कर सकते हैं। धन्यवाद।